नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब बाय राकेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों, सरकार के द्वारा समय समय पर हर एक व्यक्ति की मदद करने के लिए कई तरह की योजनाएँ चलाई जाती हैं, उनमें से एक है राजस्थान विकलांग पेंशन योजना। दोस्तों, ये पेंशन योजना सरकार के द्वारा उन विकलांग लोगों के लिए चलाई गई है जो कि अब कोई काम काज नहीं कर सकते और उनको किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए पेंशन योजना चलाई गई है ताकि वो लोग किसी के ऊपर निर्भर ना रहें और अपना जीवन यापन कर सके। दोस्तों, सरकार के द्वारा जो लोग 40% से ज़्यादा विकलांग हैं उन लोगों को पेंशन दी जाती है। हर महीने 500 रुपये पेंशन के तौर पर उन लोगों को दिए जाते हैं। दोस्तों, इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिलता है, कैसे इसका लाभ मिलता है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। इसलिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। साथ के साथ ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप देख सकें हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान विकलांग पेंशन योजना है इसके क्या क्या लाभ है। नंबर एक, विकलांगों को का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। नंबर दो, विकलांग लोग अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। नंबर तीन, विकलांग लोगों को आय का एक साधन मिल जाएगा, उनका जीवन यापन करने के लिए उनको आय का एक साधन मिल जाएगा। नंबर चार, वो गरीबी रेखा से कुछ ऊपर उठ जाएंगे। और नंबर पाँच है कि वो पेंशन से विकलांग लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे है विकलांग पेंशन योजना के लिए क्या क्या पात्रता है, कौन कौन व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए योग्यता है, पात्रता है जिनके लिए वो ये आवेदन कर सकते हैं। नंबर एक, आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। नंबर दो, 40% या इससे अधिक विकलांग होना चाहिए। साथ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो भी चिकित्सक हैं उनसे विकलांग प्रमाण पत्र ले रखा हो और वो ही प्रमाण पत्र मान्य होगा। आगे दोस्तों, प्रत्यक्ष विकलांगताओं के लिए प्रशिक्षित निजी चिकित्सकों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी शासन आदेश संख्या 210/65-1/2004 153/2000 दिनांक 23 जनवरी 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमान्य है। अपंग आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रति महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर जो कोई विकलांग व्यक्ति इसके लिए लाभ लेना चाहता है तो उनकी परिवार की जो आय है वो 1000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो पुराने पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जैसे विधवा पेंशन योजना या कोई भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे दोस्तों, यदि विकलांग व्यक्ति 3 पहिया या 4 पहिया वाहन का मालिक है तो वो भी इस योजना के लिए योग्य नहीं है। विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है। आगे दोस्तों, विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए। नंबर एक, व्यक्ति का विकलांग होना जरूरी है। नंबर दो, उसके पास राजस्थान का बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर तीन, उसके पास किसी भी निजी स्वास्थ्य केंद्र का विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर चार, मानसिक मंदित तथा श्रवण बाधित विकलांगताओं के मामलों में राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय या गोमती नगर लखनऊ द्वारा प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आगे दोस्तों, 1000 रुपये प्रति माह तक माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आप इन लोगों से अगर आय का प्रमाण पत्र लेते हैं तो वही आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। दोस्तों, विकलांग जो पेंशन योजना है इसके लिए कितनी राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगों को 500 रुपये प्रति महीना पेंशन के तौर पर दिया जाएगा ताकि विकलांग लोग आर्थिक रूप से उनको सहायता मिल सके और वो अपना जीवन यापन कर सके और अपने आप पर निर्भर हो सके। भुगतान की प्रक्रिया, आपको जो 500 रुपये प्रति महीना किस आधार पर दिया जाएगा।
दोस्तों 6-6 माह की 2 किस्तें बनाई जाएंगी। प्रथम किस्त माह अप्रैल से लेकर सितंबर तक तथा दूसरी किस्त माह अक्टूबर से लेकर मार्च तक। इस प्रकार से 2 किस्तें बनाई जाएगी, आपको 6-6 माह की 2 किस्तों में ये पेमेंट दिया जाएगा। आगे दोस्तों आवेदन कहाँ करें? पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति, अगर आप किसी ग्रामीण व्यक्ति हैं, गांव में रहने वाले हैं, तो आप इस योजना के लिए विकास अधिकारी या पंचायत समिति में जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप शहर में रहने वाले हैं तो आप उपखंड का अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन पत्र आपको पंचायत समिति या तहसील कार्यालय या फिर जिला कलेक्टर के कार्यालय में निःशुल्क मिल जाएगा। दोस्तों इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट मिल जाएगी, उसके ऊपर विजिट करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। साथ के साथ ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आप देख सकें हर एक सरकारी नौकरी की ताज़ा अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।